ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਬਸ ਦਾ ਲਵ ਬਰਡਸ ਦਾ ਲਵ ਬਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਦਾ ਕਪਿਲ ਪਿਆਰ ਕਪਿਲ ਰੇ ਕਪਿਲ ਰੇ ਅੱਜ ਕਪਿਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਪਿਲ ਕਪਿਲ ਹੈ ਕਪਿਲ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਪਿਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਪਿਲ ਆਇਆ ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਪਿਲ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਪਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ आप आयश सुन भाग चलेगा मैंने मेरे ओनर से पूछ लिया मेरे को मुझे बदनाम किया है सारे मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना विपाशा व्हाट इज ही सेइंग यार करण को कोई घर से व्हेन ही इज नॉट वर्किंग उसे घर से बाहर निकाल के दिखाओ निकाल ही नहीं सकते और वो बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं रोकती हूं नहीं नहीं मैं बोलता नहीं हूं उन लोग ने अज्यूम किया तो मुझे देख के हां नहीं नहीं तेरे को आना है तेरे को आनी नहीं देती ना कंट्रोल करती है मैंने बोला हां व्हाई नॉट क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो ना स्कूल में या कॉलेज में तो लड़के तो रेड रोज लेके बैठे रहते फिराक में कि कब हम मौका मिले तो हम इनको दे दें वैलेंटाइन डे पे लड़कियां ले भी लेती चलो कोई नहीं आज वैलेंटाइन माफ करते हैं इसको पर अगर विपाशा जैसी लड़की हो फिर तो स्कूल के आसपास जितनी दुकानें हैं वो भी फूल लेके खड़े होते हैं विपाशा सीरियसली बताना जब आप कॉलेज स्कूल में थी कितने सारे गिफ्ट फ्लावर आपके नाम पे आ जाते थे वहां पे पिटाई करती थी मैं एक्चुअली रक्षाबंधन में ट्राई करती थी कि मैं बहुत लोगों को राखी बांधूं ताकि मुझे वो गुलाब ना मिले और सारे लड़के भागते थे मुझसे बिकॉज हम लोग तीन बहने हैं तो मैं सबको बोलती थी मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम मेरे भाई अच्छा शादी पे 50 भाई थे सब भाई सब आगे लड़का कोई शाना होता बोलता हमारी कोई विपाशा बसु नहीं है अर्चना जी को बहुत गुलाब मिलते थे स्कूल कॉलेज में और जो नहीं देते थे उनको तो पकड़ के हाथ मरोड़ती थी लड़की को तुम भूल नहीं दोगे मैं बात बताऊं सच्ची बात मेरे टाइम में व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड इवन कॉलेज तब ये रोज डे वगैरह ये सब नहीं होता था वैलेंटाइंस डे भी इतना मनाया नहीं जाता था तो मुझे कभी कोई रोज मिला नहीं और मैंने किसी का हाथ मरोड़ा नहीं अभी अगर तूने ज्यादा बोला तेरा आके वहां पर हाथ मरोड़ा इनको प्रमीत सर ने बताया कि इनको बहुत सारे फूल मिलते थे जो अच्छे अच्छे वाले होते थे जैसे 100 का फूल है तो 50 में बेच देती थी और जो 50 वाले होते थे उनको इकट्ठा करके गुलकंद बना लेती थी और अगले दिन वही गुलकंद पान मुंह में डाल के उन लड़कों को ढूंढती तेरे मेरे को कल फूल नहीं दिया कमीने आपको पता है अर्चना जी विपाशा ने कहीं पे कहा था कि करण जब किसी को हक करते ना उनकी हक बड़ी लंबी होती है बहुत तो शादी के बाद भी आपकी हक का ड्यूरेशन उतना ही है कि 5 सेकंड बाद आपको कोनी जैसा कुछ महसूस होता है पीठ पे आती है विपाशा की तरफ से कोनी मैंने अभी कुछ कहा था बैक स्टेज हाँ मत बोलना प्लीज गलती से निकल गया था अरे वो कुछ भी बोलती है करण हग मास्टर है हाँ हगू है बोलता है हगू है मैंने बोला किसी को बताए मेरा हस्बैंड हगू है जब करण और विपाशा लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे ना तो हमने इनसे पूछा कि आपकी नई नई शादी हुई है लोग बोलते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो इन्होंने कहा था कि हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया अब 6 साल हो गए हैं अब कोई साइड इफेक्ट देखा आपको नहीं मेरी तो बहुत लाइफ मस्त हो गई एक्चुअली नहीं कोई साइड इफेक्ट कितना मेरी तो लाइफ मस्त हो गई आई रियली मतलब पहले से मेरा जो ब्रेन वर्क करता था 5% अब उसको ही इज बिकम एफिशिएंट हां वेरी एफिशिएंट अच्छा आई वांट टू आस्क झगड़े किस बात पर होते हैं दोनों में मैंने कुछ गलत किया होता है कुछ गलत मतलब क्या कुछ भी इसका मैं हर बार अलग गलती करता हूं मैं सेम गलती कभी भी नहीं करता था हर बार नई गलती मैं ढूंढ लेता हूँ और वही करता हूँ अच्छा करण जो है ये पंजाबी हैं विपाशा बंगाली हैं मेरा ना एक दोस्त है पंजाबी उसकी शादी हुई बंगाली लड़की से तो जैसे शादी हुई तो उन्होंने लड़की वालों ने किया इनको लगा हमें चिढ़ा रही है ये बुआ करने लग गया
मुझे ये पूछना था कि आप दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को कितना अडॉप्ट किया। देखिए मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ क्योंकि करण के पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं, तो अच्छा जो इन्फ्लुएंस है जो कल्चरल गिव एंड टेक है तो थोड़ा सा बंगाली ज्यादा हैवी है इधर, क्योंकि मेरी बहनें मम्मी पापा सब हम लोग 5-5 मिनट की दूरी में रहते हैं, तो द बासूज आर अ लिटिल बिट हैवियर हियर। हां द सिंग्स आर नहीं ऐसा नहीं है वो एक्चुअली, और जब मैं उनके साथ रहता था तब भी कुछ ज्यादा कल्चरल इनटेक आउटटेक हुआ नहीं था, दे वेरी वेरी जेंटल जो करना करो नो प्रॉब्लम, माय इन-लॉज आर वेरी जेंटल, वेरी 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 सॉफ्ट स्पोकन, और हमारी जो साइड है ना बहुत लाउड है। लाउड नहीं है वो, सब सब बोलते हैं, सब एक साथ, सब साथ में बोलते हैं सब एक साथ और सब समझते हैं ऑल द टाइम, सब साथ में बोलते हैं ऑल द टाइम, और फिर थोड़े थोड़े गैप्स के बाद मेरे को पूछा तू कुछ बोलता कि नहीं है, आपकी बातें कौन सुनेगा, अगर मैं भी बोलूंगा तो। करण एक लिसनर है हमारे फैमिली में। अच्छा पंजाबी फैमिली तो खुश हो गए होंगे कि जिनको हम टिकट दे के सिनेमा में देखते थे वो हमारी बहू बन गई, वाह। अच्छा कभी कभी ये भी होता ना कि जो शादी से पहले हमें एक दूसरे में बड़ा अच्छा लगता है और फिर वही चीजें हम बदलवा भी देते हैं अपने पार्टनर में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और फिर एक दूसरे को बोलते कि तुम बदल गए हो। हमारे में नहीं हुआ। करण में कुछ चेंज नजर आया आपको? करण ने बहुत सारे चेंजेस अपने में लाए हैं। लाइक मैं पहले नॉक्टर्नल था, मैं रात में जागता था। अच्छा मतलब शूट कर रहा था तो दिन रात दोनों जागता था। ओके अभी वो चेंज हो गया, अब मैं आई वेक अप एट 5 AM वाओ बिफोर द सन एंड शी वेक्स अप इन मी, और मेरे जो भी हैबिट्स थे जो हानिकारक होते हैं लाइफ कुछ भी नहीं है के लिए, बिल्कुल एक भी चीज नहीं है। जैसे तो पहले से इतना फिट था, मतलब नहीं, नहीं। फिटनेस यू नो अलग चीज होती है, एक जो चॉइसेस होती है ना, अपने आप को एक्चुअली अपने सोल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चॉइसेस हम लोग लेते हैं लाइफ में, राइट, तो मुझे लगता है करण की पहली सबसे अच्छी चॉइस थी मैं। Yes, I think so. My best choice ever. And I can really say this proudly because not only for him, like we together as a couple, मैं सच में मेरे लिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि करण मेरे जिंदगी में आए, क्योंकि वो मम्मी की वजह से actually. I'm so happy. I'm really happy. You brought happiness into my life. Thank you. Thank you. So, then. What? Then. So, जब माँ प्रेग्नेंट थी उनके साथ, तो उन्होंने इतना प्रे किया था, भगवान मेरे को बेटा दो और उसका नाम करण होगा, भगवान मेरे को बेटा दो उसका नाम करण होगा, पैदा हुई बिपाशा, ठीक है, टिल माय बर्थ मम्मी को लगता था कि करण ही आने वाला है, okay. करण 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 और मैं आ गई। हमारे लाइफ में ये थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बिकॉज मेरी छोटी बहन के साथ भी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी मम्मी को बेटा चाहिए था, फिर से करण करण करण, और मेरी छोटी बहन की भी शादी एक करण से हुई है। तो मम्मी ने बोला दो करण मिल गए। हाँ मम्मी ने बोला मुझे भगवान ने दो टाइप के दो करण दे दिए, मुझे दो टाइप के भी हैं। हाँ दोनों दो टाइप। हाउ डू यू डिफरेंशिएट दो दो करण? एक लंबा है, वी कॉल वन जूनियर। अच्छा करण जूनियर, करण सीनियर। लंबू करण उसका नाम था, अभी जूनियर। लंबू करण कोई जूनियर नहीं बोलता उसको, वो लंबा है। अच्छा थैंक्स। तो बाय डिफॉल्ट मतलब यू क्यूट। हां यू क्यूट। हां ठीक है।
so nice too. So nice to see you. Nice to see you. That's a different thing. I can't see you. But nice to see you. Hey, hey, Mubarak. Thank you. क्या बात है? ये हमारे नकली बचपन साहब हैं. आज आप गिफ्ट लेकर आए? गिफ्ट नहीं, ये 500 रुपए का है, वो 700 रुपए का है. आप वैलेंटाइन के बुके बेच रहे हैं? तो वैलेंटाइन के दिन क्या मैं पटाखे बेचूं? नहीं, वैसे पटाखे भी हैं, आई आई वो भी हैं. हाँ, ये 4 रुपया, ये 7 रुपया. ये बिजी बम. और ये तो कुछ भी नहीं है. पेपर 120 रुपया, पेपर 120 रुपया, हर पेपर 120 रुपया, हर ट्रेन हो, जंगल हो, बस हो, बहुत काम आता है पेपर 120 रुपया. बैठिए बैठिए. वो क्या है ना, मैं नकली हूँ तो घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है. बाद में आपको दे दें. आप बैठिए, तो आप असली वाली इज्जत दे रहे हैं इनको. वैसे आप दोनों को मेरा डंबल प्रणाम. दंडवत प्रणाम होता है. आपने बॉडी देखी उनकी? इनको दंडवत नहीं, इनको डंबल ही लगता है. वैसे आप तीनों से मिलके बहुत खुशी हुई. तीन कहाँ हैं, दो हैं. आप भी तो हैं. हाँ, मतलब वो तो है. आप अपने आप को सेलिब्रिटी क्यों नहीं मानते हैं? माना करो यार, माना करो. नकली तो मैं बनकर आता हूँ, आप तो असली हैं. बच्चन साहब, अब आते ही अपनी बातों में लग गए आप. हमारे मेहमानों से तो बात करो आप फिर. अरे वो मेहमान नहीं है, दे आर माई फैमिली फ्रेंड्स. हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती रहती है, राइट? कोविड की वजह से वी कुडंट मीट ईच अदर. मेरी दिली तमन्ना है कि हम साथ में जलसा में बैठ के चाय पिए. पर आप तो नकली हैं. वो तो असली है ना. इनको तो वहां पर जाने देंगे. तो जब आप जाएंगे तो मुझे भी साथ में ले जाइएगा प्लीज. मेरी दिली तमन्ना भी पूरी हो जाएगी. क्या बात है, व्हाट अ लवली फिजिक. करण इज अ फिटनेस फ्रीक. हाँ, जिम के बहुत बड़े फैन हैं ये. अच्छा, ये पूरे दिन में 12 घंटे जिम करते हैं और 12 घंटे एक्सरसाइज करते हैं. ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना. हाँ, तो मैंने कहा ना, इज अ फिटनेस फ्रीक, ये 24 घंटे एक्सरसाइज ही करते हैं. यू नो, मेरा भी जिम जाने का बहुत मन करता है. चले जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. तो इसका जिम से क्या लेना देना? नहीं उठाता, नहीं तो फीस नहीं भर पाता ना, तो फिर मैं जिम कैसे? अच्छा, एक्टिंग बड़ी तगड़ी कर रहे हो ना. क्या बात है, क्यों? आज मुझे तुम्हारे चेहरे पे ना
वो नजर नहीं आ रहा जो तुम्हारे में एनर्जेटिक मखी डाली है तू क्या कह मैं तनु कहती जितनी तुम एनर्जेटिक हो ना आज मैं चले वन में थकी हुई में नींद फिर तेरे को कुछ हो कितने बैठी है थले खोख दे विच चलो बाकी आपां नेक्स्ट वीडियो देखने हैं इथों ही अगे बल्कि इथे कंटिन्यू करने हैं ते अगे देखने हैं जी प्रोग्राम